नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे बीएड एडमिट कार्ड 2021। जी हाँ दोस्तों, आपको अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, हाउ टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, पूरा प्रोसेस आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। और देखिए दोस्तों, जो हमारा नया एडमिट कार्ड है 6 अगस्त 2021 शुक्रवार वाला, इसको कैसे डाउनलोड करना है, तो गाइस हम इसको इस वीडियो में आपको समझाएंगे। और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ताकि आप अपने मोबाइल फोन में बिल्कुल आसानी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकें। एक बात और, रिजल्ट के लिए दोस्तों सिर्फ dlatresult.com। जी हाँ दोस्तों, आपका जो बीएड का रिजल्ट आएगा, सबसे पहले आप इस वेबसाइट के माध्यम से देख पाएंगे। और जैसे ही दोस्तों आपका 6 तारीख को पेपर होगा, उसके बाद अगर आप आंसर की डाउनलोड करना चाहते हैं तो dlatresult.com। जी हाँ दोस्तों, आप इस वेबसाइट का नाम याद रखिएगा। बाकी आपको अभी एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, ये हम आपको बताएंगे। फिलहाल दोस्तों, आपका एडमिट कार्ड में जो जरूरी चीजें हैं, एक तो आपको देखना है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर एड्रेस क्या है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर आपको पेपर देने जाना है, और परीक्षा की जो डेट है वो 6 अगस्त 2021 मेंशन है या नहीं। बाकी दोस्तों, यहाँ पर आपका रोल नंबर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपकी देखिए फोटो होगी। तो चलिए दोस्तों, पहले हम आपको पूरा, ठीक है, कैसे डाउनलोड करना है वो हम आपको पहले समझा देते हैं। और देखिए एक बात और, गाइडलाइंस क्या है, पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करना सीख लें, उसके बाद हम गाइडलाइंस आपको पढ़कर सुनाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में गूगल ओपन कर लेना है। और देखिए सर्च क्या करना है, dlatresult.com, dlatresult.com। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप इस पर क्लिक करें तो देखिए सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखेगी, dlatresult 2021। आपको इसको ओपन करना है। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और देखिए यहाँ पर लिखा है यूपी बीएड एडमिट कार्ड 2021। और दोस्तों आपको बता दें, सबसे पहले आपको यहाँ पर आंसर की भी देखने को मिलेगा, और अपना पूरा पेपर सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, इस वेबसाइट को लिख कर रख लीजिए। जैसे दोस्तों आप पेपर देकर निकलेंगे, तो आंसर की भी सबसे पहले आप यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे। तो हमें एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, तो सिंपली यहाँ पर हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। और दोस्तों देखिए, यूपी बीएड 2021 एंट्रेंस एग्जाम एडमिट कार्ड का लिंक है, और न्यू एग्जाम डेट, ठीक है। एग्जाम डेट दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी नई तारीख है 6 अगस्त 2021 को पेपर होना है। तो चलिए दोस्तों, सीधे हम एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं। जैसे दोस्तों आप वहां पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, देखिए दोस्तों यहां पर सबसे पहले कैंडिडेट लॉगिन मांगेगा। यहां पर दोस्तों आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। इनकेस दोस्तों अगर हम मान लेते कि आप कुछ भूल गए, तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड का एक विकल्प है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर डालेंगे दोस्तों, तो आपको अपना पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। बैक टू लॉगिन पर आते हैं। हमें दोस्तों लॉगिन करना, तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना होगा, हमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है उसको यहाँ पर दोस्तों लिखना पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर नीचे पासवर्ड अपना फिल करना है, ठीक है ना। तो हमारा जो भी पासवर्ड है उसको डालना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर दोस्तों देखिए, अगर आप कॉपी करके रखे रहेंगे, देखिए जैसे इसको हटा देते हैं, हमने पेस्ट कर दिया सीधे, मात्र दोस्तों 2 सेकंड में भी डाउनलोड हो सकता है। अगर आपकी स्पीड स्लो है तो भाई आपको टाइप करना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले अपना पासवर्ड डालते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम पासवर्ड फिल करते हैं, हमने दोस्तों पासवर्ड फिल कर दिया। अब हमें यहाँ पर दोस्तों लॉगिन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपके सामने एक पेज खुलेगा, यहाँ पर दोस्तों आपका एप्लीकेशन डिटेल्स, एप्लीकेशन प्रिंट, और दोस्तों लास्ट में एडमिट कार्ड। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्लिक करेंगे एडमिट कार्ड पर, ठीक है, इस पर हम क्लिक करते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए क्लिक हियर टू डाउनलोड का एक ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। तो जैसे दोस्त यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे, तो ये एडमिट कार्ड हमारा डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्त यहाँ पर डाउनलोड का प्रोसेस चल रहा है, और ये हमारा डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। आपके मोबाइल फोन में भी दोस्तों डाउनलोड हो जाएगा, बढ़िया रहेगा ना, कि बच्चे परेशान होते हैं कि कैसे डाउनलोड करें, कंट्रोल पी तो होता नहीं है मोबाइल फोन में। तो ये आसान तरीका, सीधे डाउनलोड होगा। इस पर दोस्तों हम ओपन करके दिखा भी देते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा एडमिट कार्ड, जो कि आपके स्क्रीन पर अब ये शो कर रहा है, ठीक है। इसी के हिसाब से दोस्तों आपका पेपर वेपर होगा। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे परीक्षा की जो नई तारीख है 6 अगस्त 2021 शुक्रवार, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों जो आपकी फोटो लगी होगी, उसी की तरह दोस्तों जो सेम फोटो यहाँ पर आपको यहाँ पर, ठीक है, लगा देना है। लेकिन इस पर आपको कोई साइन नहीं करना है, नीचे दोस्तों सिग्नेचर है, ये वहाँ पर आपको कराया जाएगा जब आप पेपर देंगे, ठीक है। बाकी समय आपका दोस्तों, पहला पेपर 9 से लेकर 12 बजे तक होगा, दूसरा पाली का दोस्तों पेपर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी दोस्तों आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए। हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी आसानी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। और दोस्त इसको आप पेन ड्राइव में भरकर ले जाएंगे, तो मात्र आपका 1 या 2 रुपये में आपका एडमिट कार्ड साइबर कैफे वाले भैया निकाल कर दे देंगे, ठीक है। नहीं तो आप कैफे से जाकर निकलवाएंगे तो 10-15 रुपये खर्चा होगा,
ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा भी बचाना सीखना चाहिए अभी से। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं गाइडलाइंस क्या है परीक्षा के लिए। देखिए, आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई पात्रता विषय सूचनाओं के आधार पर आपको प्रवेश परीक्षा में अस्थायी रूप से ठीक है सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जा रही है। प्रवेश परीक्षा में सफल घोषित होने के उपरांत भी यदि आवेदन पत्र में आपके द्वारा दी गई सूचनाएं गलत पाई जाती हैं अथवा आप बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इस वेबसाइट पर उपलब्ध विवरणिक में दी गई अर्हता को पूरा नहीं करते हैं तो आपका अभ्यर्थन ठीक है निरस्त कर दिया जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, तदनुसार आपका परीक्षा परिणाम भी निरस्त माना जाएगा। तो एक बात याद रखिए, अगर आप परीक्षा पास कर लेते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपका एडमिशन होगा, ठीक है। और देखिए, ऐसे निस्तरीकरण के विरुद्ध आपका कोई भी दावा या प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि अपनी अर्हता पात्रता के संबंध में सही विवरण देना आपका स्वयं का दायित्व है। उसके बाद दोस्त ये सब चीजें, अभ्यर्थी को अपने आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी है। परीक्षा केंद्र में परिवर्तन संभव नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों, सेंटर आपका चेंज नहीं हो सकता। यदि अभ्यर्थी दूसरे केंद्र पर परीक्षा देता है तो उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो भी आपका सेंटर वो चेंज नहीं हो सकता। तो गाइस, आप लोगों की भैया जो चीज है गाइडलाइंस उसको आप पढ़कर जाइएगा। और एक बात याद रखिए, प्रवेश परीक्षा की OMR सीट में अभ्यर्थी को भाषा एवं विषय वर्ग को अंकित करना अनिवार्य है। जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो दोस्तों ये गाइडलाइंस आपके सामने होंगी, लेकिन आप लोग पढ़ते तो है नहीं, इसलिए सोचा हमने दोस्तों आपको पढ़कर बता दिया जाए। एक बात और, अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में अपने प्रवेश पत्र की डाउनलोड की हुई 2 प्रतियां, इनमें से कोई एक फोटो युक्त वैध परिचय पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, वोटर आईडी मतलब, ठीक है दोस्तों, तथा अपनी 2 अतिरिक्त फोटो लाना अनिवार्य। याद रखिएगा दोस्तों, जब आप पेपर देने जाए ना तो 2 अलग से फोटो अपने लेकर जाइएगा, और एक फोटो तो आप चिपका देंगे, फोटो दोस्तों आपको यहाँ पर चिपकाना है, जो ये आपकी दोस्तों ओरिजिनल फोटो की वैसे ही दोस्तों यहाँ पर सेम टू सेम फोटो यहाँ पर आपको लगाना है, ठीक है। इस बात का जरा ध्यान रखिएगा, अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र की एक फोटो लगी हुई हस्ताक्षरित प्रति परीक्षा कक्ष निरीक्षक को जमा की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थी वही फोटो लगाएगा जो उसने ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड की है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं दोस्तों की एक ही भैया फोटो होती है, साल भर चलती रहती है, लेकिन वो फोटो ओरिजिनल उनके पास नहीं होती। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, जो भी आपने फोटो भैया लगाया था वो साइबर कैफे के पास जाइएगा, वो आपके दोस्त निकाल कर दे देंगे अर्जेंट फोटो में तुरंत ही, सेम टू सेम फोटो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर वही होता है ना गाइस कि अगर कुछ गलती होती है फिर टाइम क्या आपका खराब ही होता है वहाँ पर। और इसके बिना अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा। परीक्षा कक्ष में याद रखिएगा, कैलकुलेटर, मोबाइल, ये सब चीज़ें दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना अनुचित साधन का प्रयोग माना जाएगा। इस निर्देश का उल्लंघन करने पर उस अभ्यर्थी को दोस्तों परीक्षा से तुरंत निष्कासित कर दिया जाएगा तथा उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। याद रखिए, OMR उत्तर पत्रक एवं प्रश्न पुस्तिका में समस्त विवरण व उत्तर केवल काले बॉल पॉइंट ठीक है डॉट पेन से आपको लिखे जाएंगे। किससे दोस्तों देना, याद रखिएगा, नीला पेन नहीं सिर्फ काला पेन, याद रखिएगा इसको भी जरा, ठीक है ना, जल्दबाजी में गलती ना हो जाए कि आप नीला पेन लेकर पहुंचिए। तो इस बात का भी जरा ध्यान रखिए, यहाँ पर क्लियरली लिखा है केवल काले बाल पॉइंट पेन है, डॉट पेन जो होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं भैया जेल वाली लेके जाते हैं कि अच्छी चलती है, तो जेल पेन यहाँ पर नहीं ले जाना है। फिर देखिए सातवां क्या लिखा है, प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए जिसमें से केवल 1 सही है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए दोस्तों आपको 2 अंक मिलेगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए दोस्तों आपका 0.66 मतलब 1/3 का दोस्तों अंक काट लिए जाएंगे। तो मतलब दोस्तों अगर आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, अगर एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 2/3 ठीक है, अगर भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 0.66 ठीक है, इतना नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग यहाँ परीक्षा में है। अनुत्तरित प्रश्न का कोई भी अंक प्रदान नहीं किया जाएगा, ना तो कोई नंबर कटेगा ना तो कोई आपको अंक मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। और देखिए, OMR उत्तर पत्रक 3 प्रतियों में होगा, मूल प्रति, विश्वविद्यालय प्रति, द्वितीय प्रति में गोपनीय प्रति तथा तृतीय प्रति में अभ्यर्थी प्रति। परीक्षा अवधि में इन्हें किसी भी दशा में अलग नहीं करेंगे, ठीक है। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र की मूल प्रति प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने तक अपने पास सुरक्षित रखें। उसके बाद देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जिनके अर्हता परीक्षा का परिणाम प्रवेश परीक्षा के समय तक नहीं निकलता है तथा वे प्रवेश परीक्षा में सफल होते हैं तो काउंसलिंग प्रारंभ होने की तिथि के पूर्व उनके पास अर्हता परीक्षा का मूल अंक तालिका ओरिजिनल मार्कशीट अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। मूल अंक तालिका को अभ्यर्थी द्वारा विनिर्दिष्ट वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना होगा। तो गाइस, कुल मिला के जो बच्चे फाइनल ईयर के हैं, अगर आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आ पाया है किसी भी कारणवश, तो गाइस जब आपका मतलब चलिए एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है, जब आप पहुंचेंगे ना एडमिशन के लिए, तो दोस्तों वहां पर आपको डॉक्यूमेंट शो करना पड़ेगा,
अगर नहीं होगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। नेत्रहीन अभ्यर्थी लेखन सहायक हेतु प्रवेश परीक्षा के एक दिन पूर्व अपने परीक्षा केंद्र के केंद्राध्यक्ष से संपर्क करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर भी आपका सेंटर गया वहाँ से संपर्क करिए। 12 नंबर पॉइंट, बीएड प्रवेश परीक्षा 2021-23 से संबंधित किसी भी वाद का न्याय क्षेत्र लखनऊ में होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र हेतु अभ्यर्थी के द्वारा चुने गए विषय में किसी भी दशा में मतलब परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसे दोस्त यहाँ पर इस बच्चे ने देखिए कौन सा सब्जेक्ट ले रखा है, यहाँ पर सू किया जाएगा। जैसे आप दोस्त यहाँ पर देख रहे होंगे कि सब्जेक्ट स्ट्रीम सबसे पहले ऊपर लिखा आर्ट, ठीक है, तो इसमें दोस्त किसी भी तरह का भैया कोई चेंजिंग नहीं होने वाली। फिर परीक्षा के दौरान दोनों पालियों में अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, याद रखिए। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर मास्क और सैनिटाइजर लेकर आना एवं कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। लेकिन दोस्त एक और था, बच्चे अब कन्फ्यूजन में थे कि यार जो कोविड-19 का टीका है वो लगवाना जरूरी है क्या पेपर देने के लिए, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा इन 15 पॉइंट्स में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि भैया कोरोना की जो टीका है वो लगना जरूरी है। तो बिना वैक्सीन लगवाए भी दोस्तों आप पेपर देने आ सकते हैं, अगर लग जाए तो बढ़िया है, क्योंकि भाई कोरोना का प्रकोप तो काफ़ी ज़्यादा है। बाकी देखिए, सबसे पहले प्रश्न पत्र का सलूशन पाने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, ठीक है गाइस। सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, पेपर के लिए एक अच्छा स्कोर करिएगा। जो क्वेश्चन ना आए उसको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि भैया एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो 2/3 का नंबर कटेगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।